मोबाइल एडिक्शन को एक अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। अब आप सोचोगे ये कैसा तरीका भैया बताने वाले हैं, तो देखो मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा कि आप मोबाइल एडिक्शन को ना एक अच्छे तरीके से कैसे यूज कर सकते हो। हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। दिस इज अभ्युदय, अ सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट AIIMS दिल्ली। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे हाउ टू अवॉइड मोबाइल डिस्ट्रैक्शन। मैंने मोबाइल डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड किया अपने 2 साल की नीट प्रिपरेशन के जर्नी में, या इवन अगर आप नीट प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो, अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप 11-12 की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप फोन से बहुत चिंतित हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं बार बार फोन क्यों यूज कर रहा हूं, बहुत ज्यादा फोन यूज कर रहा हूं, मैं फोन से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया हूं, तो हाँ आप ही के लिए आज की वीडियो होने वाली है। और आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू अवॉइड मोबाइल डिस्ट्रैक्शन। तो बिना कोई टाइम आपका वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज जो होती है वो है कि मोबाइल एडिक्शन क्या अच्छी चीज है या बुरी चीज है। तो आपको जैसा पता होगा, एडिक्शन किसी भी चीज की, चाहे वो पढ़ाई की क्यों ना हो, एडिक्शन हमेशा बुरी होती है, एडिक्शन हमेशा बुरी होती है। इसका मतलब मोबाइल एडिक्शन बुरी चीज है। बट ये तो आप सोच रहे होंगे भैया ने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्या भैया इतने बेवकूफ है, मोबाइल एडिक्शन तो बुरी चीज है, तो उन्होंने ऐसा क्वेश्चन हमसे क्यों पूछा कि मोबाइल एडिक्शन इज गुड आर बैड। तो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप मोबाइल एडिक्शन को एक अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। अब आप सोचोगे ये कैसा तरीका भैया बताने वाले हैं, तो देखो मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा कि आप मोबाइल एडिक्शन को ना एक अच्छे तरीके से कैसे यूज कर सकते हो। तो देखो होता क्या है, आपकी लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं ना, वो आपको बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, उनके पास इतनी ज्यादा पावर होती है कि आप कुछ भी और काम कर रहे हो वो आपको अपनी तरफ खींच लेते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल फोन है, आप मोबाइल फोन से मान लो किसी टीचर की क्लास ले रहे हो, क्योंकि आजकल सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, तो आप किसी टीचर की ऑनलाइन क्लास लेते हो। बट आप सिर्फ ऑनलाइन क्लास नहीं लेते हो, आप क्या करते हो, YouTube का कोई नोटिफिकेशन आता है, YouTube पे आते हो, एक वीडियो देखते हो, साथ में सजेशन वाला वीडियो आता है, सजेशन का वीडियो अच्छा होता है, और इस समय तो इतना ज्यादा वो हो चुका है लाइक ऑनलाइन YouTube एंड एवरीथिंग। क्योंकि अगर आप मान लो गूगल पे सर्च करते हो कि मुझे एक नया फोन खरीदना है, तो अगले दिन आपको ना यूट्यूब पे एड भी हो जाएगा, नए नए फोन्स का एड आएगा। तो आजकल आपकी जो लाइफ है वो आपकी लाइफ नहीं रह चुकी है, आपकी लाइफ अब पर्सनल नहीं रह चुकी है, आपकी लाइफ का सारा डाटा सबके पास होता है। सो इसीलिए आप क्या होता है ना, आप यूट्यूब पे बहुत ज्यादा इंडल्ज हो जाते हो, ना ही यूट्यूब, फेसबुक हो गया, सोशल साइट जैसे इंस्टाग्राम हो गया, बहुत बच्चे इन सब चीजों में इंडल्ज हो जाते हैं। सो ये क्या होता है ना, ये आपको अपनी तरफ खींच लेता है। अब आप सोचोगे कि क्या मैं इसको पूरी तरह से हटा दूं भैया, मतलब मैं क्या करूं, फोन ही यूज करना बंद कर दूं, ये ऑप्शन है ही नहीं आपके पास इस समय, ये ऑप्शन आपके पास इस समय नहीं है। क्यों नहीं है ये ऑप्शन आपके पास, ये ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लासेस ऑनलाइन होती हैं। आप फोन का यूज नहीं करोगे तो लैपटॉप का यूज करोगे, तो फोन बंद भी कर दोगे तो लैपटॉप पे तो यूट्यूब चलाओगे। सो द मेन प्रॉब्लम इज कि आपका जो माइंड है ना वो स्थिर नहीं है, वो ना एक जगह पे सेट नहीं है, वो ना इधर उधर भाग रहा है। तो हमें किस पे वर्क करना है, हमें अपने फोन पे वर्क नहीं करना है, हमें वर्क करना है अपने माइंडसेट पे, हमें अपना चेंज करना होगा माइंडसेट। इसलिए मैंने कहा था मोबाइल एडिक्शन को आप अच्छे से कैसे यूज कर सकते हो, अगर आप अपना माइंडसेट अच्छा कर लो, ठीक है, अगर आप माइंडसेट अच्छा कर लो तो आप उसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं अपनी बात करता हूं, ठीक है, मैं अपनी बात करता हूं, मैं आपको खुद का एग्जाम्पल देता हूं। मुझको 11th क्लास में मूवीज देखने का बहुत शौक था, मतलब बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं जिनको मूवीज देखने का शौक होता है, और क्यों ना हो, मूवीज अच्छी होती हैं, बिल्कुल होती हैं, तो मूवीज देखने का शौक सबको ही होता है। तो 11th में मुझे मूवीज देखने का बहुत शौक था, तो मैंने ना अपने लिए एक रूल बनाया था। अब आप सोचोगे क्या रूल बनाया था, तो रूल ये था, मैं आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ता था 11th 12th में, वहां पे एक टेस्ट सीरीज होती थी, ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज AIITS। दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो ऑफ आकाश, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो AIITS में मैंने एक टारगेट बनाया था कि जिस दिन रिजल्ट आएगा और अगर उसमें मेरी टॉप 100 रैंक होगी तो मैं अपने आप को रिवॉर्ड करूंगा एक मूवी देख के, और वो मूवी फोन लैपटॉप पे नहीं, वो मूवी मैं देखूंगा थिएटर में। मतलब कि मैं अपने काम के लिए बहुत मेहनत करूंगा और जब उस काम को पूरा कर लूंगा तो अपने आप को अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। इससे क्या चीज होती है, आपको लगेगा यार ये कैसा रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड अच्छा है। होता क्या है ना, आप जब अगले टेस्ट के लिए पढ़ोगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा आपको, लाइफ में मिलेगा कि हाँ आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल रहा है। आप ये देखो नीट में क्या होता है ना, बहुत बड़ी जर्नी होती है, 2 साल की जर्नी होती है, तो बच्चे क्या करते हैं 2 साल कंटिन्यूअसली पढ़ नहीं पाते क्योंकि उनको बहुत बड़ा रिवॉर्ड दिखता है बट बहुत लंबे समय बाद दिखता है। उन्हें पता है कि वो 2 साल बाद नीट प्रिपरेशन कर लेंगे तो आप एक MBBS पढ़ने लगोगे, MBBS का कोर्स पढ़ने लगोगे, बट द प्रॉब्लम इज कि वो रिवॉर्ड इंस्टेंट नहीं होता है, वो आपको तुरंत नहीं मिलने वाला है। सो ये प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ और वो उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। सो आप क्या करो, अपने लिए एक इंस्टेंट रिवॉर्ड का सिस्टम रखो, जैसे कि मैंने रखा था। अब आप सोचोगे भैया इसको मोबाइल डिस्ट्रैक्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो देखो 12th में क्या हुआ, मैं भी मोबाइल स्मार्टफोन मेरे पास था, क्यों था,
वही सेम रीजन ऑनलाइन होने की वजह से, कोविड आ चुका था, 12th में मेरे पास स्मार्टफोन था और आप ही की तरह मैं भी एक एक घंटे दो दो घंटे कभी कभी तो चार चार छह छह घंटे यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे अपने बर्बाद कर देता था। अब मैंने उसको कॉन्क्योर कैसे किया, मैं उस पर जीता कैसे, देखो जीता ऐसे, मैं जब सुबह उठता था ना तो मैं अपना फोन अपने आप से हटा देता था, अपने आप से हटा के मम्मी को दे दो, पापा को दे दो, अपने घर में किसी अपने से बड़े को फोन दे दो और उनसे ये वादा करो कि आज मेरा ये टारगेट है, मैं ये टारगेट कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद मैं आधे घंटे फोन चलाऊंगा, उसके बाद मैं आधे घंटे फोन पे ये चीज देखूंगा। आप देखो आपकी लाइफ में, आपके दिन में 24 घंटे हैं, 8 घंटे सोने में चले गए, 16 घंटे बचे हैं, टारगेट बनाओ कि मुझे 10 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, बाकी बचे अगर आप आधे घंटे देख भी लेते हो यूट्यूब तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। बट आप वो आधे घंटे कब देखोगे, 10 घंटा पढ़ने के बाद। सो दिस इज द पॉइंट, आप क्या करो अपने डिस्ट्रैक्शन को एज अ रिवॉर्ड सिस्टम बना दो। अगर आपकी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा आपको खींचना चाहेगी ना तो वो आपसे 10 घंटे पढ़वा भी लेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको पहले दिन फोन चलाने को नहीं मिला, आपको पहले दिन फोन चलाने को नहीं मिला, आपके पापा ने नहीं दिया ये कह के कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम 10 घंटे पढ़ोगे पर तुमने नहीं पढ़ा, इसलिए तुमको तुम्हारा फोन नहीं मिलेगा। बट अगले दिन अगर तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन वो बहुत ज्यादा पावरफुल है ना तो अगले दिन तुम 10 घंटे पढ़ोगे, उसके लिए ना तो वैसे लगेगा कि हाँ मैं एडिक्ट हूं, मैं 10 घंटे पढ़ूंगा नहीं तो पापा फोन देंगे नहीं, इसलिए मुझे 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। सो आप कुछ चीज करोगे, ठीक है। तो ये जो तरीका है ये मैंने खुद फॉलो किया था एंड मैं बता रहा हूं आपको ना ये पक्का आपकी मदद करेगा, 101% करेगा। नहीं विश्वास होता है तो जाके आप देखो, आपको फायदा होगा। एक महीने बाद, एक महीने क्या, एक हफ्ते बाद आप रिजल्ट आके कमेंट में बताना, मैं आपको कह रहा हूं आपको ये फायदा होगा। साथ ही साथ आप कहोगे भैया बहुत सारे ऐप्स आते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि भैया ये ऐप डाउनलोड कर लो फोन में, वो ऐप डाउनलोड कर लो, मैं बता रहा हूं ऐप चीजें, ऐप वाली जो चीजें होती हैं वो जनरली पेड प्रमोशन होता है। पेड प्रमोशन क्या चीज होती है, पेड प्रमोशन मतलब होता है यूट्यूबर्स को पैसे मिलते हैं अपने वीडियो में किसी ऐप को प्रमोट करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज गलत है, बट हाँ वो चीजें जनरली पेड प्रमोशन होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो ऐसी चीजों में मत पड़ो। मैंने भी एक बार क्या किया था, मैंने एक ऐप डाउनलोड किया था, वो ऐप में मुझे ढूंढने में पहले तो आधे घंटे लग गए, उसको इंस्टॉल करने में लगे एंड द रिजल्ट इज कि मेरे एक घंटे वेस्ट हो गए और वो ऐप किसी काम का नहीं था। सो प्लीज कृपया करके हो सके तो ऐसे ऐप्स पे मत पड़ो तो ही अच्छा होगा। सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है, नेचुरल स्ट्रेटजी है, घर वालों का यूज करो, पापा मम्मी का यूज करो, फैमिली का यूज करो, सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है। और अगर आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार, चैनल पे बने रहो, चैनल सब्सक्राइब करते रहो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और जो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है उसको बताना ना भूलना, कमेंट पे जरूर कमेंट करो कि भैया हमको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।